जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गामयी। आज का पॉइंट है, फर्स्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, सेकंड हो गया, आज थर्ड पॉइंट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। थर्ड पॉइंट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन, वन का क्यूब रूट निकालना। जैसे जब तक हम लोग 6-7 में थे स्क्वायर रूट ऑफ वन वन लिखते थे, 8 में आ गए तो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस माइनस वन लिखने लगे, ठीक है। अब यह फाउंडेशन वाला के लिए है क्यूब रूट ऑफ वन, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ वन। अब आ जाएंगे आप क्यूब रूट ऑफ वन, यही दर्शा रहा है क्यूब रूट ऑफ वन, इसी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ वन का वैल्यू निकालना है। तो क्यूब रूट ऑफ वन को मान लिया क्या है, एक्स। क्यूब रूट ऑफ वन को क्या मान लिए, एक्स, ठीक है। अब आप अपना ब्रेन लगाइए, इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट रहता था तो करते थे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, उसी प्रकार से क्यूब रूट है तो क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्या क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब किए, तो इसका यदि आप क्यूब करते हैं क्यूब रूट ऑफ वन का क्यूब, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ वन का क्यूब क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ वन का क्यूब, यानी इसको लिखते हैं आप कि वन का पावर 1/3, तब उसका पावर कितना, 3, इधर क्या हो गया, एक्स क्यूब, यानी 1 का पावर 1/3 × 3, यानी कितना हो गया 1, यानी कितना 1 = कितना, एक्स क्यूब, 1 = एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम एक्स क्यूब माइनस 1 = 0 लिख सकते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस 1 = 0। अब फिर आ गया आपका फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये किस फॉर्मूला पर चला गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस कितना, बी स्क्वायर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए इस पर, यदि इसको हम सजाते हैं तो क्या लिखा है, एक्स माइनस 1 × x² + x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि एक्स माइनस 1 = 0 और x² + x + 1 = 0, ठीक है, यानी x = 1। इसको बोलते हैं रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी 1 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होगा, 3, उसमें से एक रियल क्यूब रूट होगा और 2 इमेजिनरी क्यूब रूट होगा, एक रियल क्यूब रूट और 2 इमेजिनरी क्यूब रूट, एक रियल क्यूब रूट आपका निकल गया क्या, x = 1। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ये चला गया क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, क्या क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो गया, तो a = 1, b = 1, c = 1, एक इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए कौन कहलाएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशियंट ऑफ एक्स बी, और जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वह क्या कहलाएगा, सी, ए बी सी, पता चल गया। इससे हम निकालेंगे डी,
डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी कितना है, वन माइनस फोर ए सी, यानी वन माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, एक चीज और देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से कि डी क्या है, जीरो से छोटा है। डी जीरो से छोटा है इसलिए इसका जो रूट्स होगा वह क्या होगा, इमेजिनरी होगा। टेंथ तक कह देगा नो रियल रूट, टेंथ तक आपको बता देगा नो रियल रूट, लेकिन इसमें आपको क्या देना होगा, नो अति इमेजिनरी। डी इज स्मॉलर देन जीरो, इसीलिए इसका रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालिए। क्या लिखिएगा, एक्स यानी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के लिए क्या फॉर्मूला है, तो रूट्स के लिए फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी बाय टू ए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय टू ए, यहां माइनस बी यानी बी कितना है, वन प्लस माइनस अंडर रूट कितना, माइनस थ्री बाय टू ए, यानी टू इंटू वन यानी माइनस वन प्लस माइनस ये कितना लिखा जाएगा, रूट थ्री आए बाय कितना, टू। ठीक है, यानी दो वैल्यू आया, एक आया माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू और दूसरा माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। इस प्रकार से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या आया मेरा, एक आया वन, दूसरा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक हो गया रियल और दो हो गया इमेजिनरी। ठीक है, एक हो गया रियल और दो हो गया इमेजिनरी। अब इससे आगे आइए, क्या सब कर रहे हम लोग, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या सब आया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या सब आ गया, एक आया वन, एक आया माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू और तीसरा आया माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े इसके लिए, इसको मान लिया गया, इसको वन, इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन हुआ रियल रूट और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी क्यूब रूट। ठीक है, अब कहिएगा इसको ओमेगा मानेगी, इसको ओमेगा स्क्वायर मान लिए ना, आप इसको भी ओमेगा मान सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। या पर जैसे वन इसको मान ले ओमेगा, तो ई ओमेगा स्क्वायर, यही इसका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है क्या, क्या प्रॉपर्टी है सो देखिए। प्रॉपर्टी नंबर वन, पहला प्रॉपर्टी कहता है आपको कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ ईच अदर। इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ ईच अदर, यानी इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ई आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ई आ जाएगा। यानी किसी को मान सकते हैं आप, इसको मानेंगे ओमेगा तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ करके देख लीजिए सही है कि नहीं। मान लीजिए इसको माने हैं माइनस वन
प्लस रूट थ्री आई बाई टू, इसको आप ओमेगा मान, ठीक है, इसका हम स्क्वायर किए, ठीक है, तो क्या आ जाना चाहिए, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू आ जाना चाहिए, करके देखिए, माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आई, ठीक है, आप और सुविधा के लिए इसको लिख सकते हैं रूट थ्री बाई टू आई माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर, ये चला गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और क्या है बी, रूट थ्री बाई टू आई का होल स्क्वायर, रूट थ्री बाई टू यानी क्या थ्री बाई फोर आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर बराबर कितना माइनस वन, इसीलिए हो जाएगा माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर और ये कितना आ जाएगा रूट थ्री बाई टू आई, ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए कितना आ गया फोर, तो माइनस थ्री प्लस वन और माइनस कितना टू टू जा फोर टू रूट थ्री आई, तो माइनस थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस टू माइनस टू रूट थ्री आई बाई फोर, अब इसमें से टू कॉमन ले लीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई कितना फोर, ठीक है, टू से टू कट गया यानी माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू, ठीक है, उसका स्क्वायर किए तो ये आ गया, वैसे ही आप यदि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है, एक हुआ ये प्रॉपर्टी कि इमेजिनरी क्यूब रूट जो होगा वह एक दूसरा का क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है, अब आ जाइए दूसरा प्रॉपर्टी, टाइम तो ज्यादा हो रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या, दूसरा प्रॉपर्टी है कि एक दूसरा का रेसिप्रोकल होता है, यानी इमेजिनरी क्यूब रूट जो है वो एक दूसरा का क्या होगा रेसिप्रोकल, जैसे मान लीजिए ओमेगा बराबर मान लें आप माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू माने, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर वाला जो होगा इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी वन बाय ओमेगा करने पर आपका क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, वन बाय ओमेगा करने पर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, आप करके देख लीजिए वन बाय माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू ये क्या आ जाएगा टू बाय माइनस वन प्लस रूट थ्री आई, यानी इसको क्या लिख सकते हैं टू बाय कितना हो गया रूट थ्री, ऐसे ही रहने दीजिए माइनस वन प्लस रूट थ्री आई, इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आई हो गया माइनस वन माइनस रूट थ्री आई, रेशनलाइज कर दिए, ठीक है, इसके बाद सॉल्व करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई कितना टू, यानी एक दूसरा का रेसिप्रोकल है यानी वन बाय ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अब देखिए प्रूफ हो गया, इससे आप ये फॉर्मूला भी तो निकाल सकते हैं कि वन बाय ओमेगा इज इक्वल टू यदि ओमेगा स्क्वायर है एंड ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू इज इक्वल टू कितना वन, ओमेगा क्यू इज इक्वल टू कितना वन, ठीक है, एक प्रॉपर्टी से एक फॉर्मूला निकल गया, इससे आगे एक और फॉर्मूला है कि इमेजिनरी क्यूब रूट जो है, ठीक है, इमेजिनरी क्यूब रूट में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों का यदि आप सम कीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस वन, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा माइनस वन, यानी सम ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज माइनस वन, ठीक है, इसको कर सकते हैं आप, अब देख लीजिए इसको साबित कर सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू पता है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पता है दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा,
ठीक, इससे भी एक फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया, माइनस वन को हम इधर ले आते हैं, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, जीरो। यही दो फॉर्मूला इसमें काम करता है, एक वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और दूसरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कितना, वन। ठीक है, इस पर आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ के लिए हम अपने मन से आप कोई भी क्वेश्चन खोज सकते हैं, बनाइए, कहीं से खोज के बना लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन सिंपल हम यहाँ लिख देते हैं, टू माइनस ओमेगा इंटू टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, टू माइनस ओमेगा टू द पावर इलेवन इक्वल टू 49 साबित करना, 49 साबित करना। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 3 माइनस 3 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसका पावर है 6 माइनस 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसका पावर है 3। इतना बराबर हमको क्या साबित करना है, जीरो। ठीक है, बस इसके बाद कुछ क्या बना लीजिए।